संभल में 3 मासूम बच्चियों की संदेहास्पद मौत हो गई। बच्चियां जंगल में खेलने गई थी। एक ही कुनबे के 3 परिवारों की 3 बच्चियां जंगल में खेलने गई थी, जहां से तीनों बीमार हाल में घर लौटी। परिजन उन्हें अलग अलग जगहों पर डॉक्टरों के यहां ले गए, लेकिन एक एक कर तीनों की मौत हो गई। शुरू में जंगल की परछाई की फली को बच्चों द्वारा जंगल में उबालकर खा लेने की बात भी सामने आई, मगर परिवार वाले बच्चों की मौत की वजह बुखार बता रहे हैं। जंगल में क्या चीज ऐसी खा ली उन्होंने जो जंगल बताते हैं कि फली खा ली थी? किसी चीज क्या फली बताते? पुरगांव में कुछ बना के खाया था? क्या बना खाया था? पेड़ था क्या? बीज खाए या बताई मक्खी की दवाई गड़गड़ाए दवाई खाए लगी दवाई मक्खी की? हाँ, जब बीज रान खाए हुआ दवाई में। अच्छा, तो वो दवाई क्या? आपका क्या नाम है? आपकी इनकी पत्नी है? इनकी पत्नी है। पति का क्या नाम है? तो बच्ची के क्या नाम था आपकी? पढ़ती थी? अरे सरकारी में जाती। कौन सी क्लास में थी? पहले में ही कबू कबू चली जाती। तो ये बताते हैं कि पुरगांव में कुछ मिला के खा लिया था क्या? हमने मक्की वाले दवाई खा गए, चीटन मारे हैं बच्चों के बीज रान के खा ले हमने ना देखी घर के बगिये में। अच्छा, आपने जाके देखा वहाँ घटना? हमने ना देखा, बच्चे बता रहे और संगवार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू। पप्पू, एक बेटी आपकी खत्म हुई है कल, जंगल में गए हुए थे बच्चे, ये क्या है पूरा मामला, क्या है बताओ? आप क्या जानकारी क्या है अब बता सकते हैं? बताओ। यही जानकारी है सर। क्या बताओ? कि तीव्र गति से बुखार आया, बुखार आने के बाद और बुखार आया, शुक्रवार के लिए इसे अकस्मात बहुत तेज चीखने लगी, चिल्लाने लगी, फिर तुरंत हम सहसवान रामनिवास गुप्ता के यहाँ ले गए। रामनिवास गुप्ता ने एडमिट किया, 10 बजे ट्रीटमेंट होने लगा इसका। 10 बजे होने के बाद 1:00 कुछ पे इसका मृत्यु हो चुकी है। अच्छा, जैसे बच्चे बता रहे हैं जंगल में कोई फली वली खाई है बच्चों ने? ऐसा कुछ नहीं, हमारे अभी आप जैसे बता रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं जो गए हैं वो? अरे अन्य बच्चे बता रहे हैं, छोटे छोटे, हमें ऐसे हमारे आख्यान में कुछ नहीं खाया पिया। हाँ, आप लोग थे नहीं वहाँ पे? जैसा कि साथ जंगल जाने वाले दूसरे बच्चों ने परछाई की फली को उबाल कर तीनों बच्चियों द्वारा खाने की बात कही थी, जिसका अब मृतकाओं के परिजन भरोसा नहीं कर रहे हैं, फिर भी फली खाने की बात कही जा रही है। मृत गौरा के दादा भगवान दास भी अपनी पोती की मौत को संदेहास्पद बता रहे हैं। इधर गौरा की मां भी मौत को संदेहास्पद कह रही हैं। फली खाने की बात भी सामने आई है। साक्षी के पिता पप्पू मौत की वजह बुखार बता रहे हैं। बाबा, क्या क्या नाम है आपका? मेरा भगवान सिंह है। आपकी एक नातनी खत्म हुई है, एक पोती खत्म हुई है। जंगल में जो गए थे बता रहे हैं कुछ खा लिया, क्या है, कैसे खत्म हुई, क्या जानकारी है आपको? जानकारी हमें कुछ नहीं है। क्या है वैसे, क्या पता लग पा रहा है आपको? हमें कोई पता नहीं। कै साल की थी नातनी, क्या नाम था? 8 वर्ष की। तो जैसे एक फली की बात आ रही है, फली खा ली बच्चों ने, छोटों ने? फली से वैसे मत नहीं है बात, फली तो गुतो सातवां ऐसी है, बच्चा के पत्ता ना बता रहे, फली बता दी नहीं मरता। अरे एक चीज और आ रही है, कोई डब्बा पड़ा था उसमें वाली थी, जैसे दवा लगाते हैं लाहा के खेत में मक्खी वाली दवा, तो उससे हो सकता है उसका असर रह गया, उसमें उबाला हो। भाई मैं मक्खी डिब्बा धरे पूरी चौमा से मधुमक्खी के, तो पैकेट साथ मारे वहाँ जो है परी घड़ रहे जमीन में, वे पोहल के खुले तो खड़े गए थे वहाँ पैकेट जो तो मेला होता है, तो उन पर पैकेट पर छह लिख रहे उन पर जहर लिख रहा है। हाँ, तो ना मानो क्या देना है, वहाँ फरी फरी से ही हूँ तो बेटा रे खा लेंगे, कोई मदद मिली है, कोई लेखपाल एसडीएम कोई आए हो आपके पास? ना केस में घेर में क्या है मामला, आप लोग यहाँ आए हुए हैं? हमारे टीम में से चुनावी से आई है आरबीएस की टीम जो है, तो हमें तो प्राथमिक दृष्टता देखने में ही लगता है, जो तीनों बच्चों के गार्जियन से पूछा गया उनके अनुसार हमें देखने मिला बुखार की स्टेट, वो बता रहे हैं कि बच्चों को बुखार आया था और बुखार की वजह से हमको ले गए दिखाए जो है, तो वहाँ पे एक दिन बाद बच्चों की मृत्यु हो गई, बच्चियाँ बेहोश हो गई। अभी तो हमें प्रथम दृष्टया देखने में ही लगता बुखार की वजह से ऐसा हुआ है। नहीं, फली खाने की बात आ रही है जैसा गार्जियंस ने भी कहा था, शुरुआती रूप से ये चीज़ आई है? तो फली खाने की बात हमारे सामने ऐसी कुछ नहीं आई, जो बच्चे के गार्जियन पिताजी हैं उनके परिवार वाले हैं
फली खाने वाले बात पे उन्होंने इंकार किया है, ऐसा कोई सूचना हमें नहीं बताया। तो आज क्या कार्यक्रम है आपका यहाँ आए हैं? हमारा आज कार्यक्रम है बच्चियों के घर जाके गार्जियन से मिला गया, उनकी हिस्ट्री ली गई क्या परेशानी है, प्लस हमारा एक कार्यक्रम यहाँ पे जो बच्चे कुछ और बच्चे भी बीमार है गाँव में ये पता लग रहा है बीमार हो सकते हैं, तो इसलिए हमारा हमारे MOIC के आदेश से जो है हम यहाँ पे हेल्थ कैंप लगा रहे हैं, जो बीमार बच्चे हैं बुखार है किसी कोई बीमारी होती है उसको हम इलाज करेंगे, उसको जहाँ पे जो ट्रीटमेंट हो सकता है ट्रीटमेंट दिया जाएगा, अगर यहाँ से नहीं ट्रीटमेंट होता है तो उनको हाई सेंटर के लिए रेफर किया जाएगा। सवाल ये है कि तीनों बच्चियों की एक साथ कैसे हालत बिगड़ी और तीनों परलोक सिधार गई।